देश के बढ़ रहे अपराधों को और भ्रष्टाचारों को देखते हुए भारतीय राष्ट्रीय दल नाम से एक पार्टी का उद्घाटन हुआ है, जिसके सचिव अचिंत कुमार बंसल जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। जानते हैं किन मुद्दों को लेकर उन्होंने अपनी पार्टी को देश में उतारा है, किन मुद्दों को लेकर वो अपनी पार्टी का संचालन करेंगे, वो अपने जो मुद्दे रहेंगे उन पर खड़े उतरेंगे। तो बात करते हैं बंसल जी से। तो बंसल जी, आपका स्वागत है हमारे डीसीपी न्यूज चैनल में। तो क्या कहना चाहेंगे आप जनता से? हमारा कहना ये है कि जो लोग वेंटिलेटर पर इमरजेंसी में मर जाते हैं और उसके बाद डॉक्टरों द्वारा उनसे अवैध वसूली की जाती है, उसको कहीं इस तरह पर रोक लगाया जाए और उनके परिजनों को भी राहत मुहैया करवाई जाए। तो आप लोगों को मैं बता दूं, बंसल जी का जो पहला मुद्दा है वो ये है कि जिस तरह से प्राइवेट डॉक्टर व प्राइवेट हॉस्पिटल द्वारा परिजनों से अवैध वसूली की जाती है, मरीज को मर जाने के बाद भी, मृतक हो जाने के बाद भी उससे अवैध मांग की जाती है कि आप अपना इतना पैसा अस्पताल में भरिए तब जाके आपके मरीज को छोड़ेंगे। इन्होंने इस मुद्दे को लेकर आवाज उठाई है कि अगर हमारी पार्टी सत्ता में आ जाती है तो हम एक बिल का प्रावधान करेंगे, जिस बिल में लिखी का मरीज मर जाता है तो उसका बचा हुआ बिल माफ होना चाहिए, जिससे फायदा यह होगा कि डॉक्टर जो है आईसीयू में उस व्यक्ति को नहीं डालेंगे जो मर चुका है, क्योंकि खास तौर पर यह होता है डॉक्टर जो है उस मरीज जो मर चुका है उसको थोड़े बहुत जान प्राण बताकर उसको आईसीयू में भर्ती कर लेते हैं और उसके जरिए परिजनों से अवैध वसूली करते हैं। इसका जो प्रभाव है आम जनता पर इस तरह पड़ता है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते कि गरीब लोग अपनी जमीन जायदाद तक बेच देते हैं अपने मरीज को बचाने के लिए, लेकिन किस मरीज को बचाने के लिए जो मरीज मर चुका है। तो आइए इसी के साथ हम दूसरे मुद्दे को लेके बंसल जी से बात करते हैं। तो सर, आपका दूसरा मुद्दा क्या रहेगा? हमारा दूसरा मुद्दा जो शहर शहर गली गली चौराहे पर नाबालिग बच्चों से भीख मंगवाई जाती है, जो एक गैंग बनाकर उसको चलाया जाता है, जो बच्चे पढ़ने लिखने लायक, जो जिनको शिक्षा देनी चाहिए, जिनको शिक्षा देकर देश का भविष्य सुधारना चाहिए, उनसे भीख मंगवाई जाती है और हम ऐसे गोरख धंधे के अपराध के लगाम लगाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आप लोगों को जैसा कि बंसल जी ने बताया, उनका दूसरा मुद्दा जो रहेगा बाल शोषण को लेकर रहेगा। आप लोगों ने देखा होगा हर चौराहे पर, हर रेड लाइट पर, हर रेलवे स्टेशन पर छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते हुए आप लोगों के सामने आते हैं, लेकिन वो अपनी खुशी से भीख नहीं बल्कि उच्च ठेके द्वारा उनको भीख मंगवाई जाती है। उसी चीज को लेकर ये रोक लगाएंगे और बाल शोषण जो हो रहा है, जिन बच्चों के हाथ में किताबें व कॉपी होनी चाहिए थी उन बच्चों के हाथ में जिन ठेकेदारों द्वारा कटोरा थमाया गया है, उन ठेकेदारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का ये कार्य करेंगे। तो बड़ा प्यारा इनका मुझे इनका ये मुद्दा बहुत अच्छा लगा। तो जानते हैं तीसरे मुद्दे को लेकर कि इनका तीसरा मुद्दा क्या रहेगा? हमारा तीसरा मुद्दा नशा मुक्ति, जो गली गली शहर गांव कस्बे देहात स्कूलों के अंदर स्कूलों के बाहर तम्बाकू से उत्पन्न जितने भी प्रोडक्ट हैं, गुटखा, खैनी, तम्बाकू, कुबेर या दारू, इस पर अंकुश लगाना और इससे समाज को बुराइयों से बचाना। जो हमारे युवा पीढ़ी नशे के गोरख धंधे के अंदर लिप्त हो रही है उसको हद तक सुधारना। अच्छा, आप एक बात बताएं, हमारे जो सत्ता में पार्टी है श्री नरेंद्र मोदी जी, आप भी उन्हीं के बराबर में आने वाले हैं क्योंकि आप भी एक सत्ता में राष्ट्रीय पार्टी का जो आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है, आपने जो है निर्वाचन आयोग से राष्ट्रीय पार्टी को अपनी पंजीकृत करवाया, उसी के सिलसिले में जैसे हमारे मोदी जी हर चीज का बिल पास कर रहे हैं, कभी 3 तलाक को लेकर, कभी 370 को लेकर, कभी 35A को लेकर, कभी गौ तस्करी को लेकर, कुछ ना कुछ को लेकर बिल पास करवा रहे हैं, कभी को लेकर। तो आप मेरे को एक सवाल बताएं कि हम मोदी जी नशे पर रोक का कोई बिल पास नहीं करवा सकते? करवा सकते। तो आप इस पे अपनी राय क्या रखेंगे, आपकी क्या राय है इस चीज पर? हमारी मोदी जी से यही राय है कि सभी पार्टियों को एकजुट कर एक मंच पर लाकर
और इसके लिए एक अभियान चलाया जाए और नशा मुक्त देश को बनाया जाए और इस पर एक कानून बनाया जाए और इसकी बिक्री पर रोक लगाई जाए। तो अगर इसकी बिक्री पर सरकार रोक लगा देती है तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो इसका उत्पादन कर रही है उनके द्वारा दिया गया टैक्स सरकार को जाता है, तो उससे सरकार को कितना लॉस हो सकता है? लॉस तो सबसे ज्यादा हमारे नशा चालू होने सर को लेकर है, क्योंकि इससे जितनी भी बीमारियां बढ़ती हैं उससे युवा पीढ़ी की यह नस्ल समाप्त हो रही है। दूसरा, इस पर जो खर्चा किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा हॉस्पिटलों के अंदर, तो इससे ज़्यादा टैक्स नहीं आता हमारे पास। तो जैसा कि दर्शकों, हमारे साथ राष्ट्रीय दल पार्टी से महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव बंसल जी जुड़े थे। तो इन्होंने अपने कुछ मुद्दों को लेकर आम जनता में अपने जो सवाल किए हैं, अपने जो मुद्दे रखे हैं, उन्हीं को लेकर इनकी पार्टी में चाहूंगा कि उभरे, क्योंकि इनके मुद्दे देखने लायक हैं और सोचने लायक हैं। क्योंकि कोई गरीब फांसी से नहीं लटकेगा, किसी का बच्चा या भाई या बेटा नशे में नहीं मरेगा, किसी का बेटा या बच्चा रोड पर भीख नहीं मांगेगा। तो अपना देश स्वच्छ तभी होगा जब इन तीन मुद्दों पर कार्य कोई भी सरकार करेगी। हमें बंसल जी से कोई वो नहीं है, अगर इस काम को भारतीय जनता पार्टी भी करती है तो ये देश हित में कार्य है। इन तीन मुद्दों को लेकर अगर पार्टी अपना सराहनीय कदम उठाती है तो मैं चाहूंगा कि जनता के लिए सबसे अच्छा और सराहनीय कदम एक पार्टी की ओर से होगा। एक चीज की जानकारी और दे दूं, हमारा जो यूट्यूब चैनल डीसीपी न्यूज व फेसबुक पेज मोहम्मद मोहसिन न्यूज के नाम से चल रहा था, अब यह है हिंद की स्याही न्यूज़पेपर भोपाल मध्य प्रदेश से आरानाई, उसके साथ अटैच होकर चलेगा, जिससे हमें संपूर्ण भारत से पत्रकारों की आवश्यकता रहेगी। तो हम पत्रकारों को पूरी किट प्रोवाइड करेंगे, पूरी किट जो है पत्रकारों तक पहुंचाएंगे, जिसमें आईडी कार्ड से लेकर डायरी पेन से लेकर माइक बैग तक, टी शर्ट तक हम जो है पत्रकारों को अवेलेबल कराएंगे। तो जल्द ही हमारा दूसरा लोगो भी आपको इसकी जगह दूसरा लोगो आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम लेता हूँ। आप लोगों के इस प्यार से हमने हिंद की स्याही न्यूज़पेपर का साथ लिया है। अगर आप लोगों का प्यार इसी तरह से बढ़ता रहा तो बहुत जल्द हम इस चैनल को सैटेलाइट आप लोगों के सामने, आपकी टीवी स्क्रीन पर, आपके जो जितने भी डिश हैं सब पर इसको लाने की जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। आप लोग अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए। अगर आपको न्यूज अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर करें, अगर आपको चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, सब बात।